अब ये कुछ कुत्ते कहते हैं ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। देखो भैया टकराना मत उत्तर भारतीय से, समझ लेना अच्छी तरह से, जब तक प्यास रह रहे नहीं तो उठाकर पटक देंगे, बत्तीसी बाहर आ जाएगी, समझ लेना अच्छी तरह से। मैं नेताजी को क्यों मानता हूं, नेताजी ने मुझे नहीं बुलाया था, मैंने नेताजी को बुलाया था, मैंने ढूंढा पूरे देश में कि एक जुल्म ज्यादती महाराष्ट्र में हो रही, लड़ने के लिए अबू वासिम कौन सी पार्टी अच्छी है। मैंने सारी पार्टियों का जायजा लिया, मैं राजनीति में नहीं था। बोले यार उत्तर प्रदेश में एक मुलायम सिंह यादव नाम का आदमी है, अरे वो क्या बहादुर आदमी है यार, दबी कुचली मुसलमानों को भी जब उनकी सरकार आती है ना तो भी सीना तान के चलते हैं कि कोई माई का लाल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जब मैं सुना ना तो मैं बोला मुलायम सिंह यादव जी से मिलना पड़ेगा। मैंने ढूंढा उनको कि सर आपकी पार्टी, मैंने फोन पर बात किया कि आपकी पार्टी महाराष्ट्र में क्यों नहीं लड़ती। बोले मेरे पास कोई मजबूत आदमी नहीं है इसलिए मैंने महाराष्ट्र में पार्टी नहीं बढ़ा पा रहा हूं। मैंने कहा सर मैं मजबूत आदमी तो नहीं हूं लेकिन मैं आपको बुलाऊंगा और मेरा सपना है कि मैं आपको आसमान की ऊंचाई पर आपका झंडा लेकर जाऊं। मुझे याद है जो नेताजी आए थे यहां पर एक बार 12 रबीउल अव्वल को, जब उनका जुलूस निकला ना तो मैं था, आप जब भाषण किया ना, खुदा की कसम मैं भाग के दौड़ के मैंने इनको हार पहनाया, फिर भाषण के मैं फिर दौड़ के हार पहनाया। बोला यार क्या आदमी है यार, ये क्या जबरदस्त बात करते हैं, और ये अपने गांव वाले हैं, यूपी वाले हैं, तो और मेरा कलेजा फट गया। जब उनका जुलूस निकला ना तो भिंडी बाजार में जब्बारी होटल के पास एक टैक्सी वाला टैक्सी रोका और ब्लेड से अपना हाथ काटा, खून निकाल के नेताजी के सर पर लगा दिया। ये करिश्मा था नेताजी का। अभी नेताजी आए थे तब थोड़ी तबीयत खराब थी, अस्पताल में ठहरे थे, बीमारी की हालत में मेरा हाथ पकड़े सोए सोए, बोले अबू वासिम तुम यहां कहां पड़े हो, तुम यूपी आ जाओ, और तुम 2-3 MLA की बात क्यों करता, आओ यूपी में सरकार चलाओ, छोड़ो ये प्रदेश वहां। मैंने कहा नहीं सर, मेरे उत्तर भारतीय यहां पर हैं, मैं उनको सम्मान दिलाना चाहता हूं, इसलिए राजनीति करता हूं, ये लड़ाई इसीलिए लड़ रहा हूं। मुझे राजनीति में सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना और कुछ नहीं चाहिए। 28-30 साल से संघर्ष कर रहा हूं, बहुत सारे मेरे पास आए टिकट लिए, अबू वासिम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे तुम्हारे साथ रहेंगे। एक ने तो खून काट करके चिट्ठी लिखा मुझे कि अगर आपने पार्टी छोड़ा तो हम लोग आज का मर जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, और सबसे पहले पार्टी छोड़ के भाग गया। जो ज्यादा मस्का मारता है ना समझो भागने वाला है। और मैं कितनी बार मंत्री बनने का, बे मैं बोला मंत्री नहीं, मैं मुलायम सिंह यादव का सिपाही बनकर काम करना चाहता हूं। और जब कोई अखिलेश यादव जी के पास भाषण करता है ना, माफ करना बुरा मत मानना, अखिलेश भाई बहुत काम है, साला देखा टिकट नहीं मिला तो जिन मुर्दाबाद बोलने लगता है, हम वो नहीं है। अगर किसी का साथ पकड़ लिया ना तो मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो अबू वासिम है। हम सत्ता के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, वसूल के लिए लगते हैं। और नेताजी ने जो काम किया है ना, मैं समझता हूं कि हम जब टाडा में बंद थे, छूट कर आए थे, तो नेताजी हमारे घर पर आए थे, हमने उनसे कहा नेताजी टाडा में बहुत जुल्म हो रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है नेताजी, बगैर किसी गलती के टाडा के नाम पर लोग बंद हैं, और शरद पवार साहब कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट में मीटिंग करूंगा और टाडा खत्म कर दूंगा, तो मुस्कुराया, सुनिए मुस्कुराए और कलम कागज निकाले मेरे घर पे बैठ के, और अपने सीएम थे वो, कहा अबू वासिम टाडा खत्म करना है, बताता हूं तुमको, सुनो, कागज निकाले, बोले आज से उत्तर प्रदेश में टाडा कानून खत्म, साइन किए मुलायम सिंह यादव, जाओ खत्म हो गया, खत्म। बोले किससे पूछना क्यों, खत्म कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मैंने खत्म किया तो एक पूना से आदमी आया था लखनऊ में, नेताजी पे हमला किया था और उसको पकड़ा गया था, नेताजी ने कहा वो आदमी टाडा में बंद है, मेरे इस टाडा के खत्म करने से वो छूट जाएगा, लेकिन परवाह नहीं, छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन बेगुनाहों को टाडा में मैं नहीं रहने दे सकता हूं। ये किरदार था उनका, बाप की तरह मानते थे, बाप की तरह समझते, बेटे की तरह समझते थे, बाप की तरह हम उनको समझते थे। दोस्तों आज हालत बहुत खराब है देश की, अभी विशालगढ़ एक जगह है, मैं सारे MPs को बताना चाहता हूं, विशालगढ़ में एक किला है, वो किला जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का है, के जमाने का किला है, वहां पर
लोगों ने कुछ इलीगल घर बना लिए होंगे, वहां पे एक वो है दरगाह है, इलीगल तो बहुत बना हुआ है, कहां नहीं बना हुआ है। इलीगल क्यों बनाते हैं लोग? गरीबी की वजह से। जब लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, सरकार की तरफ से कुछ मिलता नहीं है, जहां 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता हो, अगर 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं दिया जाएगा तो मर जाएंगे, वो घर कहां से बनाएंगे बेचारे, उनके इलीगल घरों को तोड़ने की बात। और कुछ ये जो है सांप्रदायिक लोग, कट्टरपंथी लोग, मैं उनको हिंदू नहीं कहूंगा, हिंदू अगर सच्चा होगा ना तो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। वो सांप्रदायिक लोगों ने जाकर 3000 लोग गए तोड़ने के लिए। अरे भाई, अगर कोई चीज इलीगल है तो पुलिस जाएगी, गवर्नमेंट भेजेगी, म्यूनिसिपलिटी जाएगी, और कोई जाएगा गवर्नमेंट का महकमा, ये लोग कैसे जा सकते हैं? पुलिस ने बच बचाव किया, वहां मारा उन लोगों को और पूरी मस्जिद को मिसमार कर दिया। पूरी मस्जिद दिख रही है वीडियो पे, तोड़ी गई। आप सब लोग पार्लियामेंट में उठाइए इसको, ये नहीं चलेगा देश के अंदर। ये क्या है, जब 1947 में ये देश आजाद हुआ था, उस वक्त मुसलमानों के पास चांद था पाकिस्तान जाने का, कहा गया मुसलमानों से, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने चिल्ला चिल्ला कर जामा मस्जिद के सीढ़ियों से कहा था, मुसलमानों मत जाओ इस मुल्क को छोड़ करके, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने यहाँ की गंगा की नदी में वजू किया, यहीं नमाज पढ़ा है, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं की ये कब्रें यहीं पर शहीद होकर बनी हुई है, जाओगे तो तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, जाओगे तो तुम्हारे मकबरे पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा, तुम्हें कसम है तुम मत जाओ, तुम्हें ताजमहल के हुस्न की कसम है, तुम्हें लाल किले की कसम है, तुम इस मुल्क को छोड़कर मत जाओ। मुसलमानों ने उन पर भरोसा किया था, रुक गया था मुसलमान इस देश के अंदर। लेकिन आज जो सरकार बैठी है ना, 24 घंटे मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है, 24 घंटे उनका कोई मकसद नहीं है, इनको हम इनका रिजर्वेशन नहीं देंगे। मैंने असेंबली में बोला उस दिन, तुम रिजर्वेशन नहीं दोगे चिल्ला रहे हो, लेकिन चंद्रा बाबू नायडू से तुमने हाथ मिलाया वो तो रिजर्वेशन दे रहा है। तुमने हज की सब्सिडी बंद कर दिया, लेकिन चंद्रा बाबू नायडू कहता है हर जाने वाले हाजी को मैं 1-1 लाख रुपया दूंगा, तुम भी करो काम वो। लेकिन ये जब इनको ऐसा लगता है कि शेर के मुंह में जब खून लग जाता है ना तो वो खून ही ढूंढता है, इनको लगता है हिंदू मुस्लिम लड़ाओ और राज करो। लेकिन मुझे खुशी है, बहुत खुशी है, और यकीन जानिए जब इलेक्शन हो रहा था ना तो मैं दुआ कर रहा था, खुदा की कसम मैं जो है ना नमाज में दुआ कर रहा था, या अल्लाह हम लोग किसी तरह से ये सीट जो वहां की है अयोध्या की वो जीत जाए। क्या होगा अयोध्या में, जीत जाएंगे नहीं जीत जाएंगे? और जीत गया तो ऐसा लगा ना कि मैंने पूरी दुनिया फतह कर लिया है, इस शख्स ने जीत लिया। बहुत राम का नाम लेते हो, राम तुम्हारे नहीं है, राम हमारे हैं। अगर होते ना तुम्हारे तो सारे तीर्थ स्थानों की सीट तुम जीतते नहीं, तुम राम के नाम पर लोगों को धोखा देते हो, ये साबित हो चुका है। अब आप लोग आए हैं, आपसे यही गुजारिश है, आप लोग मदद कीजिए, हमको रास्ता दिखाइए। अरे सब जीतेंगे भैया, इंशाल्लाह पूरा भारतवर्ष जीतेंगे हम लोग, देखो अब क्या होता है। लेकिन ये जो मनिया यहाँ के हमको ओटवा देते नहीं सब, यार वोट वोट दोगे कि नहीं दोगे भैया हमारे को? अरे तुम ही लोग तो हो जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जिताते हो। अरे मेरे साथ रहो ना, कोई माई का लाल तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता बंबई के अंदर।